सेंट एंड्रूज महाविद्यालय गोरखपुर के सभागार में शनिवार को शब्द संवाद अर्थात गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट का अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर अतिथियों ने शब्द संवाद नामक पुस्तक का विमोचन किया। दो दिन तक चलने वाले इस साहित्य महाकुंभ में कुल 10 अलग अलग सत्र होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला और कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में राज्यसभा के उपसभापति माननीय हरिवंश, विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित शामिल होंगे। उद्घाटन समारोह में राज्यसभा उप सभापति हरिवंश, साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष सदानंद गुप्त, सुप्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा, साहित्यकार प्रभात रंजन विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका और भारी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और उसी क्रम में हम अपने सभी कार्यों को अच्छी तरह से निष्पादित कर सकें। टोटल स्टेज की डिजाइनिंग इन्होंने की है, ये बहुत परिश्रम करके इस स्टेज को ये रूप दिया है और खुद ये सामने की तरफ आप जो रंगोली देख रहे हैं हमारे संस्कार। अब हम दीप प्रज्वलित कर माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमें अंधकार से दूर की तरफ ले चलो, हमारे जो भी बुराइयां हैं उन्हें हैं। उसके बाद ये कार्यक्रम जो अतिथि हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरुआत करके प्रभात खबर अखबार के जरिए जन प्रसिद्ध के पूर्व अध्यक्ष हैं और दस्तावेज नाम की महत्वपूर्ण पत्रिका के संस्थान पर्सनैलिटी हैं जो हिंदी साहित्य की प्रभावित है आपको यहाँ पर पा करके प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और हमारे गोरखपुर आगे की तरफ आए और हमारे अगले अतिथि हैं प्रोफेसर चितरंजन मिश्र, अत्यंत सौभाग्यशाली अपने को महसूस कर रहे हैं। ये हमारे आप सभी से अनुरोध है कि कर्तव्य ध्वनि से एक बार पुनः आप सबका ग्रहण करें प्लीज। यही है हमारे स्टेज के ही हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने पूरी स्मारिका आप सभी तालियों से कर्तव्य ध्वनि से इस स्मारिका के सफल बधाई प्रेषित करें। सिद्दीकी जी से मैं अवश्य चाहूंगा कि जो प्रकाशित किया आपने उसके अनुभव शेयर करने के लिए 2 मिनट। जो काम आती है दुनिया में वो दीवानों की बातें हैं और यह दीवानगी ही है कि हमारा सपना शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। एक छोटी सी बातचीत में हम लोगों ने तय किया, पिछले साल प्रयोग के तौर पे किया 1 KG से अधिक और इस बार सोचा गया कि हमारे मेहमान महसूस करें कि कहीं कोई कमी हो तो हमें इंगेज करें, इसलिए आयोजन किसी और जगह पे बड़ा दूसरे ढंग से पेश करें। पूरी टीम जुट गई, इस स्मारिका जो एक थोड़ा सा उसका हिस्सा है, इस स्मारिका के लिए लेट उनके चयन में थोड़ा समय लगा लेकिन गंभीर बात दुनिया स्वाभाविक है, हम जो कुछ आपके सामने पेश कर सके हैं हमने कोशिश की है कि बेहतर हो, कमियाँ स्वाभाविक हैं, हम माफ़ी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि इतनी रूहानी महफिल है, ऐसा मंच बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत रिच हमारा मंच है आज का, आप पूरी तरह से निर्माण हो जाए और अगर आप खुश होंगे इसकी शुरुआत 2 साल पहले हुई थी और मैं उसके बारे में कुछ भी कहूं इससे पहले मुझे लगता कि मैं उन 2 व्यक्तियों को भी मंच पर आमंत्रित करूं जिन्होंने इस समारोह की संकल्पना से लेकर इसको सफल बनाने में बहुत सारा योगदान किया है लेकिन श्रेय हम लोगों के खाते में रख दिया है, मंच पर हम लोगों को बिठा दिया है और खुद कार्यकर्ता की तरह मैं अनुरोध कर रहा हूं APPL के डॉक्टर संजय श्रीवास्तव से और इंडिया फर्स्ट फाउंडेशन के सहवाल शंकर सिंह को मंच पर आए ताकि मैं आपको इस कार्यक्रम के बारे में बताऊं तो आप देख सकें उसके पीछे वसुधा के लोगों की मेहनत। कारण ये हुए हम अपने सामने अपने बीच बुलाकर संवाद क्यों नहीं कर सकते, क्या इसके लिए गोरखपुर
जयपुर होना जरूरी है। और इसी सोच के साथ सीमित संसाधनों और बहुत सारी थका देने वाली भागदौड़ के बीच में इन लोगों ने पिछले साल आयोजन किया था। प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र जी उस संस्करण में भी हमारे बीच में उद्घाटन सत्र में मौजूद थे। चित्रा मुद्गल जी थी और आज हमारा सौभाग्य की नाशा हुआ है। और इस तरह से एक कार्यक्रम जो उस वक्त अप्रैल की बहुत सारी झुलसा देने वाली परिस्थितियों में आयोजन हुआ था, वो इन बच्चों के दौड़ भाग के चलते इतना सफल हुआ कि एक दूसरी संस्था ने भी गोरखपुर में साहित्य उत्सव का आयोजन किया। और यही दरअसल इसके पीछे उद्देश्य था, एक शहर में जो साहित्य की, संस्कृति की, कला की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, यही एक कामना थी। और हम लोगों को इस बात से बहुत प्रसन्नता होती है कि ये जो शुरुआत पिछले साल की गई थी